सब्सक्राइब कीजिए व्लॉग्स विद जिनी को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की मेरी रेसिपी है घुइयां की सब्ज़ी, जिसको हम अरबी भी बोलते हैं। तो इसको हम सूखे मसालों के साथ बनाएंगे और इसके साथ हम बनाएंगे पूड़ी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो घुइयां को यानी अच्छे से हमने साफ़ कर लिया था। इसको थोड़ी देर के लिए हमने भिगा दिया था जिससे इसके ऊपर की सारी मिट्टी निकल गई। उसके बाद इसमें हम नमक डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। इसको हम दो सीटी लगाएंगे जिससे हमारी घुइयां अच्छे से गल जाएगी। तो जब तक हमारी घुइयां गलती है, जब तक हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम पूड़ी का आटा बना रहे हैं, तो आटे में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के हम पूड़ी का आटा बना लेंगे। तो दो सीटियाँ आ गई थी कुकर में, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। और दो सीटियों के बाद जब मैंने घुइयां देखिए चेक किया तो बिल्कुल गल गई थी। तो अब इसको हम इसका छिलका निकाल लेते हैं, इसको छील लेते हैं। दो से सीटी ज़्यादा मत लगाइएगा आप, क्योंकि ज़्यादा अगर घुइयां गल जाएगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, वो फूटने लगेगी और देखने में भी नहीं अच्छी लगेगी और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो बस दो सीटियाँ लगाइए, घुइयां हमारी बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो चलिए इसका छिलका उतार लेते हैं और सारे छिलके उतारने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए देखिए, मेरे सारे छिलके मैंने निकाल दिए हैं। अब हम गैस पे एक कढ़ाई रख देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। ये घुइयां की सब्ज़ी अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाती हैं तो और भी टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। अब तेल को हम गर्म हो जाने देंगे। बहुत जल्दी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तेल हमारा खूब अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। एक चाय का चम्मच आप इसमें अजवाइन डाल दीजिए और इसके साथ साथ हम डालेंगे हींग। दो से तीन चुटकी हमने हींग डाल दी है। इसको चटकने देंगे और जब अजवाइन हमारी अच्छे से चटक जाएगी तो इसमें हम डालेंगे घुइयां जो हमने छील के रखी हुई है। घुइयां डालने के बाद खूब अच्छे से हम चला लेंगे कि घुइयां हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। नमक हमने घुइयां में डालते वक्त ऐड जब किया था तो उससे घुइयां के अंदर भी नमक का टेस्ट आ जाता है। तो जब हम अंदर की तरफ मतलब खाते हैं तो अंदर फीका फीका लगता है। अगर आप नमक डाल देंगे तो अंदर भी नमक रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको हम फ्राई कर देंगे दो से तीन मिनट के लिए। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। दो से तीन मिनट हमने इसको भून लिया। अब इसमें हम सूखे मसाले अपने ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालते हैं नमक। नमक हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने बॉयल में भी नमक डाला था और वैसे भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कीजिए। इसके साथ हम डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे कि नमक और हल्दी सारे मसालों का टेस्ट खूब अच्छा सा इसमें आ जाए। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, उनको बहुत अच्छी लगेगी। मेरे बच्चे वैसे अरबी या घुइयां पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से घुइयां बनाकर उनको देते हैं तो वो खा लेते हैं उसको, उनको अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पे ऐड किया है एक सूखा मसाला, मैंने इसको खुद बना के रखा हुआ है। सूखी सब्जियों में इसको हम ऐड करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें धनिया, सूखी मिर्चा, ज़ीरा, ये सबको भून लिया था तवे पर और नमक के साथ इसको मोटा मोटा पीस लिया है। ज़्यादातर सूखी सब्जियों में इसको हम ऐड करते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इसके लिए मैं एक इसका अलग से वीडियो बना दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने इसमें ऐड किया है खटाई पाउडर और फिर इसको हम अच्छे से भून लेंगे। दो से तीन मिनट हम भून लेंगे और दो से तीन मिनट भूनने के बाद इसको हम कवर कर देंगे इस पैन को।
और 2 मिनट के लिए फिर कवर करके पकाएंगे इसको हम। तो हमने जब कवर हटाया तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके डाल दी थी। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है सब्जी का, और जितना अच्छा सा कलर आया उतने ही टेस्टी सब्जी भी बनती है। तो मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी है, अब हम गरम गरम पूड़ी बना लेते हैं। तो ये था मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक बटन क्लिक कर दीजिएगा।